नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौसम समाचारों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है मानसून को लेकर, साथ ही चल रहे आंधी तूफान को लेकर भी। दरअसल दोस्तों बड़ा अपडेट आया है, लक्षद्वीप के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरल की ओर बढ़ रहे मानसून को इसने रोका। अब इसके जून के दूसरे हफ्ते में आने का है अनुमान। जी हां दोस्तों, इस साल मानसून की बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस बार मानसून जून के दूसरे हफ्ते में केरल पहुंचेगा। इससे पहले विभाग ने कहा था कि 1 जून को केरल में दस्तक देने वाला मानसून 5 जून को आएगा, लेकिन यह अनुमान भी सही नहीं रहा। पिछले साल यानी कि 2022 में मानसून 29 मई को केरल पहुंचा था, वहीं 2021 में यह 1 जून को पहुंचा था। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में लक्षद्वीप के ऊपर सोमवार सुबह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इससे मानसूनी बादल 4 दिन से एक ही जगह रुके हुए हैं। अरब सागर में जो बादल पश्चिमी हवाओं के साथ केरल की ओर बहुत धीमी गति से बढ़ रहे थे, वे अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन की ओर बढ़ गए हैं। ये बादल केरल की ओर कम हो गए हैं, इसकी वजह से मानसून में देरी की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की अगर यही रफ्तार रही तो इसके मध्य प्रदेश में जून के आखिरी हफ्ते में ही पहुंचने की संभावना है। वहीं दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले 24 घंटे में कम दबाव के क्षेत्र में बदलेगा, उसके बाद मजबूत होते हुए नॉर्थ की दिशा में यह आगे बढ़ सकता है। बुधवार या गुरुवार को इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि मध्य दक्षिणी व पूर्वी मध्य अरब सागर में अगले 5 दिन तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक 8 जून तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी 8 जून तक लू चलने की आशंका जताई गई है। इस दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, अन्य राज्यों में मौसम सामान्य रहेगा। तो दोस्तों, यह थे आज के मौसम समाचार। वीडियो आपको किस लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी तरह की काम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।